चलो आगे देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, फ्रिक्शन में हम क्वेश्चन ही करेंगे ज्यादा, कंसेप्ट वही है बस, डायरेक्ट आपके दो तीन फॉर्मूले, ये क्वेश्चन है इसके इंपॉर्टेंट थोड़े, तो मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, फिर टू ब्लॉक प्रॉब्लम पढ़ाऊंगा उसके बाद। चलो क्वेश्चन देखो, इसका जवाब जो देगा मैं उसको चलो क्वेश्चन तो पहले देख लो क्या है। फ्रिक्शन, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब देख लो, क्वेश्चन है एक ब्लॉक है जिसका मास है m, m मास का ब्लॉक है, एक सरफेस पे रखा हुआ है, इस सरफेस का म्यू दे रखा है। ठीक है, म्यू जो है आपका कॉफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मान लो इसको कॉफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इस ब्लॉक पर मैं मिनिमम से मिनिमम कितना फोर्स लगाऊं कि ब्लॉक मूव कर जाए। फाइंड मिनिमम फोर्स, फाइंड मिनिमम फोर्स, मिनिमम फोर्स एफ, सो दैट ब्लॉक विल मूव, सो दैट ब्लॉक विल मूव। कम से कम कितना फोर्स लगाऊं कि ब्लॉक मूव करने लग जाए, इसका आंसर मुझे जो बता देगा उसको मैं एक बुक फ्री में दूंगा। सर कोई बुक पे नहीं बताया। ठीक है, आप लोगों ने फोर्स कैसे माना? फोर्स ऐसे माना, ऐसे ही माना, और यहां पे डायरेक्ट फोर्स लगा दिया म्यू एम जी। तो आप जब म्यू एम जी के बराबर होगा तभी ये ब्लॉक मूव करेगा। ठीक है, अब मैंने आपको फोर्स बोला था, लेकिन फोर्स किधर लगाना है इसके बारे में थोड़ी बोला मैंने। इस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है? मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स इस पे लग सकता है म्यू एन। ठीक है, एम जी नहीं लिखेंगे क्योंकि जरूरी नहीं एन की वैल्यू एम जी के बराबर हो। और इस पे मैं जो फोर्स लगाऊंगा वो फोर्स ऐसे नहीं लगाऊंगा, मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा कुछ इस तरह से। जब इस तरह से फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा, फोर्स के हो जाएंगे दो कंपोनेंट। एक कंपोनेंट तो इस तरफ जाएगा, दैट इज एफ कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ कंपोनेंट जाने से क्या हुआ, ऊपर की तरफ कंपोनेंट जाने से नॉर्मल की जो वैल्यू है वो वो कम चेंज हो होगी। जाएगी, और नॉर्मल कम हो जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? नॉर्मल कम हो जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स आपका कम हो जाएगा। ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा दैट इज एफ साइन थीटा, नीचे लग रहा है क्या एम जी, और ऊपर भी लगेगा आपका नॉर्मल। सबसे पहले हम लोग नॉर्मल निकाल लेते हैं, एन प्लस एफ साइन थीटा इसके बराबर होगा एम जी के, क्योंकि ब्लॉक जो है वो ऊपर तो मूव नहीं कर रहा, ऊपर नीचे, इसका मतलब ऊपर नीचे वाले फोर्सेस आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो ऊपर के फोर्सेस का सम इक्वल टू नीचे जाने वाले फोर्सेस, नीचे की तरफ लगने वाले फोर्सेस, एन प्लस एफ साइन थीटा। यहां से एन निकाल लो, नॉर्मल हो जाएगा आपका एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ये हमारा नॉर्मल निकल गया। टू मूव द ब्लॉक, मैं चाहता हूं कि ब्लॉक आपका मूव करे, टू मूव द ब्लॉक जो आपका एफ कॉस थीटा होगा ये फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो एफ कॉस थीटा इक्वल टू होगा म्यू एन के बराबर। अब एन की वैल्यू पुट कर दो यहां से, म्यू एन की वैल्यू पुट करी मैंने, कहां गया, एन की वैल्यू पुट करी एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, तो देखो यहां को इसको सॉल्व करके एफ की वैल्यू निकालो, एफ कॉस थीटा इक्वल टू म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा।
ठीक है, एफ को इधर ले आओ, एफ हो जाएगा आपका, एफ ले आओगे इधर तो देखो दोनों में से एफ कॉमन हो जाएगा, एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा में से एफ कॉमन, तो अंदर बचेगा साइन थीटा प्लस, हाँ बेटा साइन थीटा प्लस, हाँ बोलो, एफ न्यू साइन थीटा होगा ना, एफ हाँ सॉरी बेटा एफ न्यू, न्यू भी आएगा इधर, म्यू एफ साइन थीटा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इक्वल टू म्यू एम जी, ठीक है। इसको f की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करो, देखो फाइनली f क्या आ जाएगा, f इक्वल टू आ जाएगा आपके पास म्यू एम जी बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ये आपका मिनिमम फोर्स होगा, ठीक है। अब हमको क्या है यहां पे थीटा भी निकालना है, वैसे तो थीटा ठीक है, अब हमको क्या करना है थीटा भी निकालना है, ये आपका मिनिमम फोर्स होगा टू मूव द ब्लॉक, कितना म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। मैं चाहता हूं कि जो पूरा आंसर आया वो म्यू की ही टर्म्स में है, ये जो आपका होगा ये मिनिमम फोर्स होगा। तो देखो इसकी वैल्यू क्या म्यू एम जी जो आपने बोला था उससे ज्यादा की कम है, आपने जैसे सत्यम ने बोला था एफ इक्वल टू म्यू एम जी फोर्स लगेगा, तो इसकी वैल्यू ये कम है कि ये कम है, कौन सा फोर्स कम है, लेफ्ट वाला कम है, ये वाला कम है ना, यस सर, ठीक है ये वाला फोर्स कम है, तो मिनिमम फोर्स इतना लगेगा। तो हम लोग जो फोर्स लगाएंगे वो पर्टिकुलर एक एंगल पे लगाएंगे। आप लोगों ने वो एक मशीन आती है घास काटने वाली, मूवीज वगैरह में देखा होगा, देखा आपने घास काटने वाली मशीन देखी है, उसके ऊपर एक हैंडल लगा होता है और आगे इस तरह से रोलर टाइप होता है, तो जो घास काटने वाली जो मशीन होती है उसको जब घास काटना होता है तो उसको हम लोग आगे से ऐसे पुश करते हैं, और जब उसको मूव करवाना होता है, मूव करवाना होता है तो उसको ऐसे करके हाथ से पीछे पकड़ के ऐसे मूव करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा किसी बॉडी को खींचना आसान होता है अस कंपेयर टू धक्का मारना, यस सर, व्हाई इट इज इजियर टू पुलिंग अस कंपेयर टू पुशिंग, किसी बॉडी को पुल करना आसान होता है अस कंपेयर टू पुश करना, क्यों, जब पुल करते हो आप तो पुल ऐसे करोगे, तो ऐसे करोगे तो क्या होगा, आप जो फोर्स लगाओगे उस फोर्स का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ लगेगा, जिससे नॉर्मल की वैल्यू, अभी आ रहा हूं मैं, जिससे नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी, नॉर्मल कम हो जाएगा तो फ्रिक्शन कम लगेगा और आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। और जब आप पुश करोगे तो पुश कैसे करोगे, आप बॉडी को पुश करोगे ऐसे करके, हम लोग पुश ऐसे करेंगे, मतलब जो फोर्स लगेगा आपका उसका एक कंपोनेंट, इसका फोर्स एक कंपोनेंट आगे की तरफ जाएगा, दैट इज आप कॉस थीटा, जो भी बोला आप, मान लो ये एंगल थीटा है, तो अब जो नॉर्मल की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो नॉर्मल बढ़ जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। उस पॉइंट को हम लोग लिखाएंगे बाद में भी। हाँ दीपायन बोलो, क्या पूछ रहे थे सर, पुश करने के समय एक कंपोनेंट नीचे की तरफ लगता है इसलिए वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। हाँ 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 ठीक है, वही बताया मैंने, पुश करने के समय क्या होता है एक कंपोनेंट फोर्स का आपका नीचे की तरफ लगेगा। चलो ये अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं आया, एफ मिनिमम थीटा की टर्म्स में निकल गया, लेकिन ये दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। अब देखो ये आपका मिनिमम फोर्स है, क्या आप लोगों ने मैक्सिमा मिनिमा पढ़ लिया, कब पढ़ा, आप ही ने तो पढ़ा था, अच्छा वो तो भूल गया, ठीक है आप लोगों ने मैक्सिमा मिनिमा पढ़ लिया, तो ये फोर्स क्या है, मिनिमम है, तो क्या इसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा, मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट पे डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, क्योंकि ये फोर्स मिनिमम है, तो डी एफ मिनिमम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे बताओ, क्या चीज वेरी कर रही है, थीटा, मास नहीं कर रहा, म्यू नहीं कर रहा, क्या वेरी कर रहा है,
थीटा हम लोग एंगल निकाल रहे, ठीक है, एंगल को अलग अलग एंगल पे, तो डी एफ मिनिमम बाय थीटा के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो, म्यू एम जी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा डी बाय डी थीटा। क्या आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो? इसकी वैल्यू क्या होगी, डी एफ माय ये इसकी वैल्यू जीरो आएगी, यहां पे लिख दो, एक पॉइंट लिख देना, सिंस फोर्स इज मिनिमम, ठीक है, जगह थोड़ी कम पड़ गई, यहां लिख दो सिंस फोर्स इज मिनिमम, फोर्स आपका मिनिमम है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा। अब इसको डिफरेंशिएट करो और मुझे थीटा की वैल्यू देखो कैसे होगा, ये तो डिफरेंशिएशन म्यू एम जी को हम लोग ले लेंगे बाहर, इसको ऊपर ले जाऊं पावर में, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा की पावर होल पावर माइनस वन। अब लगा दो आप चेन रूल, लगा दो चेन रूल, इस सबको टी मानेंगे जो भी मान लेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, म्यू एम जी, म्यू एम जी भी क्यों लिख रहे हैं अपन, म्यू एम जी तो जीरो हो नहीं सकता, ये वाली टर्म जीरो होगी तो म्यू एम जी को भी मत लिखो, ठीक है, क्योंकि ये टर्म जीरो होगी, ये नहीं होगी, तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन किस होगा, माइनस वन आगे आ जाएगा, कॉस थीटा पे पावर कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा की पावर माइनस वन, माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस टू इंटू, अब फिर इसके अंदर जाएंगे, अभी तो हमने ब्रैकेट सॉल्व किया, अब इसके अंदर वाले का डिफरेंशिएट करेंगे, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, म्यू तो कांस्टेंट है तो म्यू साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। अगेन देखो ये वाली टर्म जीरो नहीं हो सकती, तो कौन सी टर्म जीरो होगी, क्योंकि ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये वाली टर्म माइनस साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, जीरो, ठीक है, तो मैं इसको कहां लिखूं, तो आपका फाइनली आ जाएगा क्या, माइनस साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, ये आपका जीरो हो सकता है, ये वाली टर्म भी जीरो नहीं हो सकती। इसको सॉल्व करो तो देखो यहां से आ जाएगा आपका टेन थीटा इक्वल टू म्यू, टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा। अब मुझे यहां से थीटा को हटाना है, साइन थीटा को भी हटाना है और कॉस थीटा को भी हटाना है, तो म्यू इसको क्या मैं म्यू बाय वन लिख सकता हूं, टेन थीटा इक्वल टू म्यू बाय वन। तो मैं एक ट्राइंगल बनाऊ, राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें क्या हो रहा है, ये म्यू जो है वो परपेंडिकुलर है, नीचे वन लिख दिया तो ये बेस हो गया, ये वाला एंगल थीटा हो गया, तो ये हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा वन प्लस म्यू स्क्वायर, वन प्लस म्यू स्क्वायर हो जाएगा यहां से। अब मुझे चाहिए साइन थीटा और कॉस थीटा, तो इस ट्राइंगल में देखो तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज म्यू अपॉन अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस म्यू स्क्वायर, वन प्लस म्यू स्क्वायर, ठीक है। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, कैसे, टेन थीटा निकल गया, सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, प्लस सेक स्क्वायर निकालो फिर कॉस, उसको उल्टा कर दो तो कॉस स्क्वायर निकलेगा, ठीक है। तो मैंने आसानी से कर दिया इसको, एक राइट राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, टेन थीटा जो रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो जाएगा म्यू और बेस क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को उठा के इसमें डाल दो, तो एफ मिनिमम क्या हो जाएगा आपका, एफ मिनिमम इक्वल टू म्यू एम जी cos थीटा क्या है, वन डिवाइडेड बाय वन प्लस म्यू स्क्वायर, तो cos थीटा है वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर, और म्यू इंटू साइन थीटा, म्यू प्लस म्यू
और फिर साइन थीटा की वैल्यू क्या है, म्यू अपॉन वन प्लस म्यू स्क्वायर इंटू वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर, दोनों का बेस कॉमन है तो क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे म्यू वन नहीं आएगा, म्यू आएगा सॉरी, दोनों का बेस कॉमन है तो एफ मिनिमम क्या हो जाएगा, एफ मिनिमम ये ऊपर चल जाएंगे टर्म, म्यू एम जी इंटू अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर, और आप देखोगे नीचे भी क्या आएगा, म्यू इंटू म्यू, तो क्या हो जाएगा वन प्लस म्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो ऊपर वन प्लस म्यू स्क्वायर का रूट है और नीचे सिर्फ वन प्लस म्यू स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, इसको मैं वन प्लस म्यू स्क्वायर का रूट इंटू वन प्लस म्यू स्क्वायर का रूट लिख सकता हूँ, तो इससे एक वन प्लस म्यू स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली जो फॉर्मूला आएगा एफ मिनिमम का वो आएगा म्यू एम जी डिवाइडेड बाय अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर, दिस इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक। इस फॉर्मूले को इसको डायरेक्टली याद भी रख लेना आप नीट वगैरह के एग्जाम में या जेई के एग्जाम में आप लोग कभी पूछ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन दे देंगे ब्लॉक इसको मिनिमम फोर्स कितना चाहिए, कई बार आ चुका है एक दो बार, तो याद रख लेना इस वैल्यू को डायरेक्टली आप।